वही प्रोसेस है, पहले हमको अपडेट मंगाना पड़ेगा। ये फोल्डर सारे इसमें हैं, KLL 1 3 4 5 2 6 करेंगे। अभी बोल रहा है अप्लाई और उसको ऑप्टेन करना है, मंगाना है ना, तो पहले मंगाएंगे, ऑप्टेन करते हैं, नेक्स्ट। ओके, हमारे पास इंटरनेट तो है नहीं, ये तो होगा नहीं, ऑटोमेटिकली ये सब होंगे नहीं, हमारे पास बीच वाला ही ऑप्शन है, सेंड ईमेल टू रिक्वेस्ट अपडेट। पिछले मंगा रहे हैं, सब कुछ चेक करते हैं, सेंडिंग में लगा होगा तभी तुरंत नहीं है, सबको भेजेंगे स्टोर द रिक्वेस्ट। तो हम लोग देखेंगे कैसे उसको अप्लाई करना है। ओके, अभी हम लोग देखेंगे ये जो डिजिटल पब्लिकेशन है, एडमिरली डिजिटल पब्लिकेशन, उसको कैसे अपडेट करना है। तो उसका भी प्रोसेस है, पहले हमको अपडेट मंगाना पड़ेगा। ये डिजिटल पब्लिकेशन का फोल्डर है, सारे इसमें हैं, ALL ALR 1 3 4 5 2 6 टाइट टेबल। तो इसका ये जो फोल्डर है ना, EDP डाटा अपडेटिंग विजर्ड, इसको ओपन करेंगे। ओके, अब ये बोल रहा है अप्लाई और ऑप्टेन, हमको तो ऑप्टेन करना है फिलहाल, पहले मंगाना है ना हमको, तो पहले मंगाएंगे, ऑप्टेन करते हैं, नेक्स्ट। ओके, हमारे पास इंटरनेट तो है नहीं, ये तो होगा नहीं, ऑटोमेटिकली ये सब होंगे नहीं, हमारे पास बीच वाला ही ऑप्शन है, सेंड ईमेल टू रिक्वेस्ट अपडेट। ओके, इसको नेक्स्ट कर देंगे। ये सारे मंगाने हैं, सब कुछ चेक कर लेते हैं, सारे चेक हैं ऑलरेडी, नेक्स्ट। सेंड ईमेल नाउ, हमको तो अभी तुरंत ईमेल भेजना नहीं है, ये तो हम कप्तान साहब को भेजेंगे, वो वहाँ से भेजेंगे। तो स्टोर द रिक्वेस्ट इन फाइल, सेंड लेटर, नेक्स्ट। ओके, ये फाइल लोकेशन पूछ रहा है कि हम फिनिश करेंगे तो जो हमने चूज़ किया वहाँ पर जाके सेव होगा। तो नॉर्मली मैं डिफ़ॉल्ट में डेस्कटॉप रखता हूँ, अभी डेस्कटॉप सेलेक्ट है। हाँ, हम चेंज करना चाहें तो यहाँ से कर सकते हैं, बट वो आपका कन्वीनियंट है, आपको कहाँ सेव करना है। मेरे को कम्फर्टेबल लगता है डेस्कटॉप में, तो मैं डेस्कटॉप में सेलेक्ट किया है, अब फिनिश कर देंगे। ओके, ये चला गया, देखिए ये ना डेस्कटॉप में, अभी हम देखेंगे तो ओके कर देते हैं इसको। ये आ गया है, ये फोल्डर इधर आ गया है, अब ये हमको भेज देना है, कप्तान साहब को बता देंगे सर ये मेल में है, सेकंड नंबर मैसेज आउट में डाल देंगे, वो वहाँ से भेज देंगे। इसको बाद में पेनड्राइव में डाल के मैं दूसरे PC से ट्रांसफ़र कर दूँगा, और उसी PC में एक फोल्डर बना है, उसमें ईमेल एड्रेस दिया हुआ है, और फिर जब वहाँ से उसका रिटर्न आएगा रिस्पॉन्स फाइल, तो हम लोग देखेंगे कैसे उसको अप्लाई करना है।